टुडे टास्क इज चैप्टर 9 ऑफ द आवर रिसर्च एंड द मेथडोलॉजी पेपर एंड दिस चैप्टर as following points to discuss. First is the which type of drug sources are present for the herbal drugs, their method of identification, quality control and the standardization aspects. It include basic knowledge of the pharmacopeial standards and the parameters as set by the Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Information on the WHO guidelines for the standardization of the herbal preparations. Good manufacturing practices and the good laboratory practices. So, now we are going to start. If you look on the word drugs, अगर हम शब्द drug की बात करें तो ये जो drug words है, ये drug word एक French word है drogue. तो कहा जाता है कि इस drug word को French word drogue से लिया गया है और इस French word का drug का जो वर्ड है ड्रोगी, इसका मतलब था ड्राइड हर्ब्स, सूखी हुई औषधि. अगर हम WHO की डेफिनेशन देखें तो उन्होंने कहा है कि ड्रग इज एनी सब्सटेंस और द प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू चेंज और डिस्कवर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट्स for the benefit of the recipient. Means any substance or product जो physiological system को explore करने के लिए या change करने के लिए या pathological states को change explore करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो इसको ले रहा है उसके लाभ के लिए, तो इसको ड्रग कहा जा सकता है. दिस ड्रग कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री फॉर्म. नंबर वन क्रूड, सेकंड ऑफिशियल एंड थर्ड वन इज द नॉन ऑफिशियल ड्रग्स. सो जो क्रूड ड्रग है मींस इट इज ए अनरिफाइंड सब्सटेंस, naturally occurring unrefined substance that can be derived from the any biological or the mineral source. Means जो किसी भी biological या mineral source से प्राप्त किया जा सकता है और that has the intended to use for in the diagnosis, cure, mitigation and the prevention of disease. इस पर्पस में इसका यूज किया जाता है. इट्स कंटेन द फार्माकोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड इट रिक्वायर्स नो एडिशनल प्रोसेसिंग फॉर यूज. इसमें एक्टिव केमिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड इसमें के लिए किसी अलग तरह के प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं. जैसे कि हम जानते हैं जिनसेंग फेमस ड्रग है, हर्ब्स है, चाइना में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और इसको केवल एक सीपर सुखा कर इसको प्रयोग किया जाता है. और दूसरा एग्जाम्पल है जो है वो है डिजिटलिस्ट सेप की ड्राई लीफ.
अगर हम ऑफिशियल ड्रग की बात करें तो ऑफिशियल ड्रग उसे कहा गया है जो फार्माकोपिया में या नेशनल फॉर्मुलेशंस हैं किसी भी कंट्री का, जैसे उनकी जो रिकॉग्नाइज बुक हैं, फार्माकोपिया हो गया, फार्मास्यूटिकल कोडेक्स हो गए या नेशनल फार्मूले फार्मूलरी हो गई, तो इसके अंदर जो मेंशन करी हुई हैं उसको कहा जाता है ऑफिशियल ड्रग। जैसे क्विनीन, मॉर्फिन, कोडीन, पैरासीटामोल, दीज आर इंक्लूड इन द ब्रिटिश फार्माकोपिया। जो जो ड्रग इंडियन फार्माकोपिया में है, आईपी में है, यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में है, तो अलग अलग जो नेशनल फार्मूलरी रिकॉग्नाइज बुक हैं उनके अंदर जो चीज़ मेंशन की गई है ड्रग्स को, जो सब्सटेंस मेंशन किया गया है उसको कहा गया है ऑफिशियल ड्रग। ऐसे सब्सटेंस जो इन ऑफिशियल बुक्स में नहीं है लेकिन उन्होंने जनरल्स के अंदर, रिसर्च जनरल्स के अंदर अपनी क्लिनिकल वैल्यू को वाया एक्सपेरिमेंट प्रूव किया है, दिस नॉन एज द अनऑफिशियल ड्रग। और उसके अंदर एक और बात इन्होंने ऐड करी है दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर साइड इफेक्ट इज नॉट येट नाउ, कि जो उनके साइड इफेक्ट है उसके बारे में लेकिन ज़्यादा इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन भी उन जनरल के अंदर नहीं दी गई। तो एग्जाम्पल है कुरकुमिन, हल्दी के अंदर से का एक एक्टिव पार्ट है कुरकुमालो का, और इसने अपनी एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल क्लिनिकल वैल्यू लेबोरेटरीज में दी हुई है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिटरेचर के अंदर देख सकते हैं, बट दिस इज नॉट इंक्लूड इन द फार्माकोपिया। सो वी कैन सी दिस इज द नॉन ऑफिशियल ड्रग ड्रग सोर्स। तो अगर हम ड्रग सोर्स की बात करें तो हर्बल ड्रग्स के अंदर तीन तरह के मेजर ड्रग सोर्स बताए गए, प्लांट्स, एनिमल, मिनरल्स। बट इफ यू लुक ऑन द मॉडर्न ड्रग्स देन इट इंक्लूड सिक्स मेजर सोर्स ऑफ द ड्रग्स, इंक्लूडिंग माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड कंपाउंड एंड सिंथेटिक कॉब्लिक सेमी सिंथेटिक सोर्स। जिसमें जानते प्लांट सबसे पुराना नेचुरल सोर्स है ड्रग्स के लिए। मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी में जितनी भी ड्रग्स बनाई गई हैं, 60% से ज़्यादा ड्रग्स का जो बेसिक सोर्स है वो प्लांट रहा है, और ड्रग्स को प्लांट्स के हर पार्ट से के रूप में, अलग अलग पार्ट के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे हम पत्तियों को भी यूज़ कर सकते हैं, आप जानते हैं पत्तियाँ यूज़ की जाती है, तना, जड़, एक होल प्लांट्स, तो इसके पूरे प्लांट्स को भी या इसके अलग अलग किसी पार्ट को भी हम ड्रग के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, और इनमें से हम ड्रग्स को प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड इज द एनिमल, वेरियस ऑर्गन्स एंड द टिश्यू ऑफ द एनिमल कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ ड्रग। जानवरों के अलग अलग अंग या उनके टिश्यूज भी ड्रग के सोर्स में यूज किए जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसके अंदर एनिमल ड्रग के जो सोर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, एंजाइम्स हैं एंड द हार्मोन्स हैं। जैसे इंसुलिन जो पैनक्रियास से प्राप्त किया जाता है, एससीजी जो प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन से लिया जाता है, थायरोक्सिन जो कि शीप,
थर्ड वन इज द मिनरल ऑफ पृथ्वी से या मिनरल्स के जो एलिमेंट और नॉन मेटल और मेटल एलिमेंट्स है, इस आयुर्वेद में इसको भी ड्रग सोर्स के रूप में लिया गया है। तो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बहुत सारी भस्में हैं जिसका अलग अलग प्रकार से यूज किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है इसको। उसमें एक है आयरन, गोल्ड साल्ट, आयरन एनीमिया में यूज किया जाता है, और गोल्ड साल्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की बात करें तो आयोडीन इज अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक दैट इज यूजिंग प्रिवेंट द सेप्सिस इन द बॉडी। तो ये जो प्लांट्स एनिमल एंड द मिनरल्स सोर्स हैं दैट इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर द हर्बल ड्रग। But if you look on the modern science for the drug, so they mention three other source also, that is the microbiological, genetic and synthetic or mixed synthetic source. So if you look on the microbiological source, means micro organism hai, वो भी ड्रग के सोर्स के रूप में लिए गए, और फेमस उसके अंदर पेनिसिलिन था, जो पेनिसिलिनियम नोटाटम से प्राप्त किया गया, एक्टिनोबैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो एक सीरीज है पूरी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नोवामाइसिन और सिफेलोस्पोरिन्स। तो चाइना ने इन माइक्रोबियल सोर्सेस से बहुत सारे कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड इवन आइसोलेट किए, टेट्रासाइक्लिन एक एग्जांपल है। चाइना और जापान इन दोनों कंट्री ने इस तरह के सो माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स के ऊपर बहुत काम किया। नेक्स्ट वन इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग वी हैव got human insulin as well as the insulin analogs for the treatment of the diabetic mellitus, and synthetic / semi-synthetic source. So the synthetic source, synthetic means what we can prepare in the lab. Or semi-synthetic means initial crude, we got it from the microbiological source and then we modified it in the lab. Modern जो drug discovery है उसमें जो major role जो play किया जाता है in synthetic, semi-synthetic, genetic microbial source का, synthetic basis के ऊपर जो जितनी ज़्यादा modern medicine इस समय available है, जो FDA, USFDA के द्वारा अप्रूव्ड हैं, तो वो लैब के सोर्स से या फिर सेमी सिंथेटिक सोर्स से प्राप्त की गई है, जैसे डाइक्लोफेनेक, पैरासिटामोल, 6-aminopenicillanic एसिड जो एक फंगस से लिया जाता है, दिस इज द सेमी सिंथेटिक सोर्स एंड इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ amoxicillin or other 6-aminopenicillanic molecules. Now the in this slide these are the three sequential methods that are suggested for the herbal identification. मीन्स हर्बल ड्रग के आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि आपके पास कोई ड्रग दे दी जाती है तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मेथड्स, कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाने चाहिए, तो उसमें
नंबर वन है ऑथेंटिकेशन, मीन्स अगर आप ऐसी ड्रग जो प्लांट्स डिराइव्ड है तो उसके फर्स्ट स्टेज है आइडेंटिफिकेशन का, उसके लिए आपको सबसे पहले जिस स्पीसीज जो प्लांट स्पीसीज है आपको उसके आइडेंटिफिकेशन करने की, उसका बोटैनिकल वेरिफिकेशन करने की जरूरत है, और वो बोटैनिकल वेरिफिकेशन हो सकता है दा जो वर्तमान में लैटिन बिनोमिनल नेम्स या सिनोनिम है उसके द्वारा, मीन्स जो प्लांट स्पीसीज यूज हो रही है वो स्पीसीज वास्तव में यूज हो रही है या नहीं उस ड्रग के अंदर, उसका बोटैनिकल वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो जो ऑथेंटिकेशन के अंदर जो पॉइंट्स दिए गए हैं दैट इज द टैक्सोनॉमिक द स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ द बॉटनी दैट टेल अस, ओके आपको पता है कि एक प्लांट की बात करें तो फैमिली है, फैमिली के बाद प्लांट के अंदर उसके जेनरा है, जेनरा के बाद स्पीसीज हैं। तो टैक्सोनॉमी एग्जैक्टली टेल अस कि ये कौन सी स्पीसीज है, उसके बाद उसकी माइक्रोस्कोपिक एंड और माइक्रोस्कोपिक स्टडीज की जाती है जिसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, और उसका जो रिकॉर्ड है वो एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाना चाहिए जिसके अंदर वो किस स्टेज के अंदर उसको कलेक्ट किया गया, मीन्स वो इनिशियल स्टेज के अंदर डेवलप हो रही थी या मीडियम स्टेज में थी या फिर एंड स्टेज के अंदर थी, प्लांट का कौन सा पार्ट कलेक्ट किया गया है, किस रीजन से उसको कलेक्ट किया गया है, उसकी बोटैनिकल आइडेंटिटी जैसे कि फाइटोमॉर्फोलॉजी, माइक्रोस्कोपियल, हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस, टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिटी, ये सब उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक रिकॉर्ड के रूप में मेंटेन करी जानी चाहिए कि कल कभी कोई पूछा जाए तो ओके आपने स्पीसीज यूज़ करी, क्या आपने उसका ऑथेंटिकेशन किया था, तो देन इमीडिएट आप वो सब रिकॉर्ड जो है सामने रख सके, यस ये प्लांट का बोटैनिकल नेम था स्पीसीज का, उसको हमने टैक्सोनॉमिकली माइक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली स्टडीज़ के थ्रू ऑथेंटिकेट किया है, और ये इंफॉर्मेशन हमने अपनी रिकॉर्ड्स में अंदर। दूसरा है फिजिकल पैरामीटर, सो ये जो फिजिकल टेस्ट है इट इंक्लूड द ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, मींस उसकी सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, मीठा है, बिटर है, बिल्कुल टेस्टलेस है, उसकी अपीयरेंस कैसी, ऑर्डर उसके अंदर कैसी कोई खुशबू आ रही है यह नहीं है, तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशंस दैट आल्सो पार्ट ऑफ द अदर फिजिकल टेस्ट कुड बी टेस्टेड इन द रिसर्च लैबोरेटरी टू चेक द फिजिकल पैरामीटर और टू सी देयर फिजिकल पैरामीटर एज ए स्टैंडर्ड, लाइक एज विस्कोसिटी क्या है, मॉइस्चर कंटेंट्स मीन्स आप एक हब ले रहे हैं तो जो अपनी फार्माकोपियल गाइडलाइन है उसके अंदर उसका मॉइस्चर मीन्स उसके अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमने एक ड्रग ली, एक हर्बल प्लांट स्पीसीज ली और उसके अंदर उसका मॉइस्चर कंटेंट्स जो उसके अंदर कितना उसका मॉइस्चर मीन्स पानी का एक स्पेसिफिक लेवल, तो जैसे एलोपैथिक ड्रग्स के अंदर कहा जाता है, जैसे कहा गया कि भाई एक हमने पैरासीटामोल बनाई तो उसके अंदर उसका मॉइस्चर कंटेंट्स का रेशियो है 0.5 to 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.5 to 1.5% से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट्स उसका नहीं होना चाहिए। अगर कोई ड्रग 1 gram है तो आप समझ सकते हैं कि उसका 0.5 to 1.5%
तो यहाँ पर भी इनका जो मॉइस्चर कंटेंट है दैट शुड बी चेक, बिकॉज अगर ये चेक नहीं होगा तो वो जो एग्जैक्ट हम जो क्वांटिटी देना चाहते हैं उसके अंदर वेरिएशन आ जाएगा। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हुआ तो जो उसका एक्टिव पार्ट्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। उसका पीएच, पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच कितनी ऊंची है, मीन्स वो एसिड है, वो बेसिक है या न्यूट्रल है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डिसइंटीग्रेशन टाइम, कितना डिसइंटीग्रेशन टाइम वो ले रही है एब्जॉर्प्शन के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर। फेलेबिलिटी, अगर वो टैबलेट फॉर्म है में तो है तो है, तो उसकी हार्डनेस कितनी है टैबलेट की। अगर वो लिक्विड है तो उसकी फ्लो एबिलिटी कितनी है। सेडिमेंटेशन उसका रेट कितना है। उसकी एक्सपेक्ट वैल्यू और एश वैल्यू क्या है, ये सारे जो पॉइंट्स है आई विल डिस्कस लेटर अगेन इन द व्हेन वी विल डील विद द क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर। एंड थर्ड वन इज द क्वांटिटेटिव एंड द सेमी क्वांटिटेटिव आइडेंटिफिकेशन मेथड। क्वांटिटेटिव एंड द सेमी क्वांटिटेटिव, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन जो एग्जैक्टली ली जाती है वो इसलिए ली जाती है कि अगर वो कोई क्रूड ड्रग है या तो उस क्रूड ड्रग के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे कंपाउंड होंगे, तो उसके अंदर मेन जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, जैसे हल्दी के अंदर हम बोलते हैं कुरकुमिन, और सिंकोना के अंदर आजकल बड़ा सिंकोना के अंदर है क्विनिन, तो ये एग्जैक्टली ये जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है इनको मार्कर कंपाउंड भी कहा जाता है कि अगर ये कंपाउंड इस हर्ब्स के अंदर किसी हर्ब्स के अंदर है तो हम उसको आँख बंद करके कह सकते हैं, मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन या विदाउट एनी वी कैन टेल इट प्रूवली के ओके, अगर किसी क्रूड ड्रग जो हमें दिखाई गई और नाम नहीं बताएगा और उसके अंदर प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि नहीं, ये जो मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है इस ड्रग के अंदर हर्ब्स के अंदर पाया जाता है, तो इसलिए ये हर्ब्स ये हो सकती है। तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है कि उसको कितने परसेंट वो होना चाहिए मिनिमम, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो उस ड्रग की एफिकेशी कि वो कितनी इफेक्टिव हो सकती है और उस ड्रग के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, उसकी क्वालिटी के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। बायोमार्कर जो शब्द है मीन्स द एक्टिव मेजर एक्टिव पार्ट ऑफ द ड्रग ऑफ दैट ड्रग स्पीसीज प्ले ए मेजर रोल नाउ इन द फिंगर प्रिंटिंग ऑफ द हर्ब्स। आजकल हो क्या रहा है कि जितनी भी हर्ब्स आ रही हैं, बहुत बार ये डिस्कस भी हुआ है कि जितनी हर्ब्स आ रही हैं उसके अंदर हर्ब्स ऐसा तो नहीं है आपने ये तो पौधा हर्ब्स को अपने हाथों से तोड़ा और उसके बाद आपने उसको ड्रग बनाने के लिए यूज़ किया, हर्बल ड्रग बनाने के लिए, तो ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं से परचेज कर रहे हैं, कहीं से खरीद रहे हैं, तो वो जहाँ अलग अलग रीजनल स्पेस से आ रही हैं, जगह से आ रही हैं, तो हर जगह के अंदर की प्रकृति अलग है, उस प्रकृति के अनुसार जो हर जो औषधि जो वहाँ पर विकसित हो रही है उसके अंदर कंपाउंड जो मेन कंपाउंड्स होते हैं किसी ड्रग हर्बल ड्रग के हर्ब्स के जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग, रीजनल बेसिस के ऊपर भी उनकी परसेंटेज अलग अलग होती है। एक स्टैंडर्ड परसेंटेज तय की गई है, अगर ये स्टैंडर्ड परसेंटेज इतनी उस हर्ब्स के अंदर है तो इट कैन बी गुड और इट कैन बी यूज विल गिव द गुड रिजल्ट। दूसरा, हम क्वालिटी जो उस ड्रग की है वो भी उसके ऊपर असेस कर सकते हैं। तो ये जो तीन पैरामीटर है, ऑथेंटिकेशन, फिजिकल टेस्ट, क्वांटिटेटिव एंड द सेमी क्वांटिटेटिव मेथड, this can be used for the herbal drug
identification. Now we are going to see the quality control and the standardization aspect. तो ये जो शब्द है quality control means जो quality होनी चाहिए उसको control, उसको नियंत्रित कैसे किया जाए और एक क्या standardization aspect को देखा जाए, मतलब means बहुत सारी रग आ रही हैं, हमने कहा कि अश्वगंधा की टैबलेट है और अश्वगंधा की टैबलेट बनानी है ये फिर तो उसको जो बन रही हैं तो उसके लिए वो सेम क्वालिटी आए अलग अलग बैचेस के अंदर तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जो फार्माकोपिया के अंदर मेंशन किए गए पैरामीटर्स हैं तो अब हम उसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेंगे, जानकारी लेंगे। तो अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री के अंदर देखें तो 1919 के अंदर इंडिया पॉइजन एक्ट है, उसके बाद 1930 के अंदर डेंजरस ड्रग एक्ट है और उसके बाद जो अपना एक्ट अभी तक चला आ रहा है ड्रग एंड द कॉस्मेटिक एक्ट इंट्रोड्यूस इन द 1940 ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स फर्दर केम और अप्रूव्ड 1945 फॉर द रेगुलेशन के ड्रग को कैसे रेगुलेट किया है। अब ये जितने सारे एक्ट हैं ये ड्रग की एक्सपोर्ट को किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग की जाए, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाए और किस तरह से उनका सेल किया जाए ये उन सब नियमों को रेगुलेट करते हैं, इसको व्यवस्थित रूप से करते हैं, रेगुलेशन में करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्डाइजेशन और ड्रग के अदर यूज़ हैं उन सबको पूरी तरह से स्पेसिफाई किया हुआ है इन ऑर्डर टू कंसीडरिंग द इंक्रीज के डिमांड इंक्रीज हो रही है उसको एक्सपोर्ट करना है आयुर्वेदिक यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथिक ड्रग्स को जो कि आयुर्वेद या फिर अन्य सिस्टम से डेवलप की गई है और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा आयुर्वेदिक यूनानी के अंदर होम्योपैथिक फार्माकोपियल भी पब्लिश किए गए हैं जिसके अंदर जितनी भी इन कैटेगरी की ड्रग्स हैं उनकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताए हुए हैं कि एक स्टैंडर्ड ड्रग के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग की जाए उसके अंदर इन इन चीज़ों की जानकारी दी जानी चाहिए और ये जो पैरामीटर हैं इन पैरामीटर के अकॉर्डिंग इनके अंदर इन इन चीज़ों का इतने परसेंट इश्यूज होना चाहिए। और 2002 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस गाइडलाइन भी जारी करी इन ऑर्डर टू गाइड द ड्रग एनालिस्ट इन मेंटेनिंग द हाई साइंटिफिक एंड द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर एंश्योरिंग ओनली ड्रग ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी आर प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। 2003 के अंदर गवर्नमेंट ने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का नोटिफिकेशन जारी किया जो इस चीज़ को निश्चित करेगा कि ऑथेंटिक कंटेमिनेशन फ्री क्वालिटी रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट विद डिजायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड होगा। जीएमपी मीन्स लेबोरेटरीज के अंदर किस तरह से काम किया जाए ताकि जो हाईली जो साइंटिफिक और जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है वो मेंटेन किया जा सके जिसके जरिए एक अच्छा रिसर्च वर्क एक हाई क्वालिटी रिसर्च वर्क प्रोड्यूस किया जा सके। और इसी प्रकार मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के अंदर भी इस तरह की गाइडलाइंस दी गई जिसके द्वारा हमें गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा सके।
So these are the guidelines for the quality control of the herbal drugs. अगर हम generally देखें तो quality control तीन points के ऊपर based है. पहला identity क्या है, दूसरा purity क्या है, और उसके assay control से जिसके through information ली जा सकती है. So these standards are on the basis of pharmacognostic, physiochemical, phytochemical and the biological parameters. Majorly चार parameters के ऊपर ये आधारित है. इसके अंदर जो general process और parameter use किए जा रहे हैं वो लगभग 10 हैं minimum. First is the sample collection. क्वालिटी कंट्रोल का जो स्टैंडर्ड मीन्स जो ड्रग्स आपके पास आ चुकी है, जो आप ड्रग बना चुके हो, उसमें इन सब पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है. और इन पैरामीटर को इस्तेमाल करने का जो कारण है वो ये है कि जो क्वालिटी है, जो स्तर है, जो उसकी गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता जो क्वालिटी जो स्तर है वो जितने भी बैचेस हों सबके अंदर एक स्टैंडर्ड एक निश्चित तौर पे होना चाहिए, तभी वो फार्माकोलॉजिकल बायोलॉजिकल इफेक्ट दे सके. अगर ये पैरामीटर नहीं तय किए जाते तो कोई भी कुछ भी बना के ले आएगा और हम उसको डॉक्टर उसको कंज्यूम करने के लिए ट्रीटमेंट के रूप में देगा, और जब एक्टिविटी शो नहीं करेगी तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा. तो वो जो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कि जो बॉडी है जिसको कहा गया कि भाई क्वालिटी कंट्रोल बॉडी, ये क्वालिटी कंट्रोल बॉडी हाउस ड्रग को लेबोरेटरी के अंदर इवेल्युएट करती है, टेस्टिंग करती है जो फार्माकोपियल पैरामीटर्स उसके. हर एक देश ने अपना जो क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग विकसित किए हैं. इसलिए कई बार आप देखेंगे जैसे मैंने कहा कि दुनिया के अंदर यूएसपी है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, आईपी इंडियन फार्माकोपिया है, बीपी है ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ईयूपी यूरोपियन यूनियन फार्माकोपिया है, एपी ऑस्ट्रेलियन फार्माकोपिया है. तो जो अलग अलग देश हैं हर एक ने अपना फार्माकोपिया के अंदर क्वालिटी कंट्रोल जो ड्रग्स की क्वालिटी कंट्रोल है उसके अलग अलग पैरामीटर बनाए हुए हैं, विकसित किए हैं. और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो सब उन मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद इन सब पैरामीटर्स को इवेल्युएट किया जाता है, चेक किया जाता है, ताकि जो ड्रग्स सामने आए उनके अंदर एक कंसिस्टेंसी, जो उनकी गुणवत्ता है, जो उनकी क्वालिटी है, जो उसका स्तर है, उसकी गुणवत्ता मैनेज रहे. इंडिया के अंदर भी है तो क्योंकि मॉडर्न ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हमने देखा है तो उस मॉडर्न ड्रग की जो सिंथेसिस प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको हम लोगों ने यूज़ किया था. और 30-30 लाख रुपए की कॉस्ट वाले बैच अगर उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं पाए जाते थे तो उन सबको डिस्कार्ड कर दिया जाता था. क्योंकि यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अंदर एक मेंशन किया हुआ था कि आपके पास एम्प्योरिटी का लेवल 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो अगर मैन्युफैक्चरिंग मतलब सिंथेसिस इस प्रकार का हुआ, ड्रग इस प्रकार से बनाई गई, उसका रेशो 5-6% चला गया, तो टोटल इम्प्योरिटी टोटल अशुद्धियाँ उसके अंदर, तो वो उसके साथ मैच करने था तो उसको डिस्कार्ड में फेंकते. तो ये स्टैंडर्डाइज जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है दैट इज हाईली एसेंशियल, बहुत जरूरी है. और हाईली एसेंशियल होने के कारण ही जो क्वालिटी ड्रग वर्ड आया है वो क्वालिटी ड्रग कही आती है.
अगर इन पैरामीटर पे खरे उतरे हैं तो इट कुड बी गुड. सो दिस आर द 10 पैरामीटर्स. फर्स्ट इज द सैंपल कलेक्शन एज पर द सुटेबल सैंपलिंग प्लान. सेकेंड आइडेंटिफिकेशन. थर्ड वन इज द फिजियोकेमिकल एनालिसिस. फोर्थ फाइटोकेमिकल एनालिसिस. फिफ्थ माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस. सिक्स रेजिडुअल एनालिसिस. सेवेंथ बायोलॉजिकल एक्टिविटी टू चेक द पोटेंसी. एट टॉक्सिसिटी और द सेफ्टी प्रोफाइल. नाइन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दैट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स. एंड यू नीड टू मेंशन द प्रोसेसिंग स्पेसिफिकेशन ऑल्सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड. इफ यू सी ऑन द फर्स्ट पॉइंट सैंपल कलेक्शन एज पर सुटेबल सैंपलिंग प्लान. सो इफ यू लुक ऑन द सुटेबल्स सी द सुटेबल सैंपलिंग प्लान मीन्स जो सुटेबल हो उसके थ्रू सैंपल कलेक्शन को करना. और ये जो सैंपलिंग प्लान है दिस इज द बेसिक स्टेप. ये हमें बताता है रिसर्चर को कि अगर हम सैंपलिंग इस प्रकार से करेंगे तो केवल केवल ए पार्ट ऑफ द होल ग्रुप और ऑफ द होल बैच कैन गिव अस द कंक्लूजन विद ए प्री डिफाइंड लेवल ऑफ सर्टेनिटी. आप इसको यहाँ भी समझ सकते हैं. जब इलेक्शंस हुए थे देश के अंदर तो इलेक्शंस के अंदर प्री पोल आप देखेंगे तो प्री पोल एनालिसिस हो रहा था कि भाई क्या हो सकता है. तो उसके अंदर सैंपल साइज लिए जाते थे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के रैंडमली या 5000 लोग ले लिए और उसके बेस पे वो आइडिया लगा लिया करते थे कि जनता का रुझान किस राजनीतिक दल की ओर है. तो ये तो एक उदाहरण है कि सोशल सिस्टम के अंदर ऐसा किया जाता था. तो अगर हम साइंटिफिक बात करें तो किसी सैंपल की क्वालिटी कंट्रोल को हमें चेक करना है और एक कंपनी ने 10,000 सुदर्शन वटी बनाई और हमें ये चेक करना है कि ये जो 10,000 सुदर्शन वटी बनाई है इसका क्वालिटी कंट्रोल इसकी एफिकेसी कैसी, क्या इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो सबके अंदर समान रूप से हैं. तो उसके लिए सैंपल कलेक्शन प्लान लिया जाता है. ऐसा माना जाता है कि मिनिमम 10% तो रेंडमली मतलब बिना किसी सीक्वेंस के सैंपल को सपोज 10,000 है उसमें अंदर लेबल लगा हुआ है एक दिन का ऐसा तो नहीं 10,000 या 1,00,000 एक दिन के अंदर प्रोड्यूस होगी पैच होगी दो तीन दिन चला तो ऑटोमेटिकली रेंडमली उसके अंदर से सैंपल को कलेक्ट किया गया होल सेट में से. उसके बाद वी गो फॉर द आइडेंटिफिकेशन. ये आइडेंटिफिकेशन है इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं. स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट व्हेनेवर अवेलेबल. ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टराइजेशन मींस सेंसरी ऑर्गन ऑर्डर टेस्ट इस तरह के बारे में जानकारी. माइक्रोस्कोपियल एनालिसिस के माइक्रोस्कोपिक के थ्रू अगर वो पाउडर फॉर्म के अंदर है तो उसको चेक किया जाए. क्रोमैटिक ग्राफिक कंपैरिजन विद द ऑथेंटिक रेफरेंस स्टैंडर्ड मीन्स हम एनालिटिकल टूल्स एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू
हम क्रोमेटोग्राफी कंपैरिजन कर सकते हैं। ये जो चार हैं स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट, ये हर ड्रग के लिए अलग अलग मेंशन किए। स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट के थ्रू आप अलग अलग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टराइजेशन के माध्यम से आप आगे दे सकते हैं। तो हर एक ड्रग के लिए, चाहे वो क्वाथ है, टैबलेट है, लिक्विड सिरप है, कैप्सूल है, या आयुर्वेद के अंदर वर्णित भस्म है, या जितनी अलग तरह की औषधियों के प्रकार है, उन सब के लिए ये चारों अलग अलग पैरामीटर दिए हुए, और उनके आधार पर हमें इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने बताया था कि आपको बायोमार्कर फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पर हम एक ने कहा कि ठीक है हमने 10 तरह की हर्ब्स मिलाकर ये एक वटी तैयार करी। अब उस वटी के अंदर वो 10 जो हर्ब्स हैं वो उसने डाली भी है या नहीं डाली है, या उसको यूज उसका प्रयुक्तिकरण किया या नहीं किया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त करी जाए? या तो केमिकल टेस्ट किए जाए या फिर ग्राफिक कंपैरिजन किया जाए। स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट के अंदर जैसे हमें पता होना चाहिए कि जितनी भी हर्ब्स हैं उसके अंदर जो फाइटोकेमिकल्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनको अलग अलग नेम से ग्रुप किया गया है, जैसे एल्कलॉइड्स, फ्लेवनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, टैनिन, फिनोलिक कंपाउंड्स, लिग्निन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, उनके अलग अलग केमिकल टेस्ट हैं। अगर सपोज जिस ड्रग के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करना है और उसमें 10 हर्ब मिक्स की हुई हैं और हमें ये पता है कि उस 10 हर्ब्स के अंदर ये फ्लेवनॉइड, एल्कलॉइड, टर्पिनॉइड्स प्रेजेंट हैं, और हम अगर उनकी स्पेसिफिक केमिकल टेस्टिंग करें तो हमें इस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी कि ओके इस हर्ब्स के अंदर फ्लेवनॉइड पाया जाता है मुख्यतः से, और हम फ्लेवनॉइड का इनिशियल टेस्ट लगा के देख लेते हैं। तो अगर फ्लेवनॉइड इसके अंदर प्रेजेंट है तो वी कैन गेट जस्ट आइडिया, ओके इट कैन बी प्रेजेंट। सेकेंड, अलग अलग केमिकल टेस्ट, सल्फोनिफिकेशन वैल्यू और जो भी रिक्वायरमेंट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो वर्णित है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टेस्ट डिफाइन किए हुए हैं। एंड वी विल डिस्कस लेटर dealing with the specific and we will deal with the specific herbal drugs. So last one, the chromatographic comparison, this is the authenticated way, means आपको पता है कि authentic reference standard, जो reference standard means पहले से ही जिसको standardize करके ये पता लगाया जा चुका होता है कि अगर हम जैसे आपने भी लेबोरेटरी के अंदर TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करी थी, तो उसके अंदर मतलब कि TLC के अंदर जो एक स्पॉट विजिबल हो रहा है वो स्पॉट उस बायोमार्कर का है जो उस आपके अंदर प्रेजेंट है, मेजर कंस्टिट्यूएंट का है जो प्रेजेंट है। तो जो सैंपल आपके पास आया है उस सैंपल की TLC गैस क्रोमेटोग्राफी ऑफ हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के जब इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप जब उसको चेक करोगे, तो अगर सेम जो रेफरेंस स्टैंडर्ड जो अपीयर जो इन इंस्ट्रूमेंट में अपीयर होगा, सेम अगर आपके सैंपल में अपीयर हो रहा है, तो आप इसको छोटी के साथ कह सकते हैं कि इन्होंने जिस हर्ब्स को उस ड्रग में मैंशन किया वो उसके अंदर प्रेजेंट, तो आप उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं कि उपस्थित है या नहीं, और अगर उपस्थित है और अगर तो कितनी मात्रा कितनी क्वांटिटी के अंदर वो उसमें उपस्थित है। उसके बाद आता है फिजिकल को केमिकल एनालिसिस, 5%
वेट बाय वॉल्यूम सस्पेंशन का पीएच कितना है, उसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल कितना है, वॉलेटाइल मीन्स जो इवेपोरेट हो जाता है, फिक्स्ड ऑयल जो है वो कितना है परसेंटेज है, मॉइस्चर कंटेंट्स कितना है, उसकी ऐश वैल्यू कितनी है जलाने के बाद, और अदर आइडेंटिटी टेस्ट जो मैंने प्रीवियसली भी बताया था बाई यूजिंग TLC और HPLC, और एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। मतलब ये अलग अलग, मान लीजिए एक हर्ब्स ली आपने, एक सिंगल हर्ब ली और आपने उसको वाटर में पानी में एक लिमिटेड पीरियड के लिए, और उस लिमिटेड पीरियड के बाद आपने उसको छान लिया, और छानने के बाद आपने उस जग को अलग रख दिया और पानी को अलग रख दिया वाटर को, उस वाटर को इवेपोरेट करके देखा, तो आपको पता लगेगा कि वाटर इवेपोरेट करने के बाद उस ड्रग का कितना पोर्शन वाटर में डिसॉल्व हो गया। तो आपको पता लग जाएगा कि हमने 100 ग्राम ड्रग ली और उसको 1 लीटर पानी में डाला, और उसके बाद 4 घंटे रखने के बाद हमने उसको फिल्टर कर लिया, उसके बाद हमने पानी को सुखाया, तो पता चला कि 100 ग्राम ड्रग में से 15 ग्राम जो है उस ड्रग का वो उस पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया। दिस इज नॉन एज द एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। तो ये अल्कोहल के साथ अलग अलग, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ अलग अलग होती है। तो इससे भी आपको एक आइडिया लग जाता है कि हर ड्रग की अलग एक्सट्रैक्टिव वैल्यू है, सॉरी हब की, तो और ड्रग की भी अलग अलग एक्सट्रैक्टिव वैल्यू है, तो उसके आधार पर भी आप एक एनालिसिस कर सकते हैं। आइडेंटिटी टेस्ट के बारे में सेम, जैसे हमने फिजो हमने उसके बारे में बात करी थी मार्कर के लिए, तो यहाँ पर आइडेंटिटी टेस्ट उससे रिलेटेड है। उसके बाद आता है फाइटोकेमिकल एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हर्ब्स हैं उसके अंदर जो जो हर्ब्स एक्टिविटी शो करती हैं, वो उसमें जो केमिकल्स होते हैं उनके कारण, मल्टीपल केमिकल्स के कारण वो बायोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करती है। तो वो जो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, फाइटोकेमिकल्स है, उनका क्वांटिफिकेशन की कितनी मात्रा है, स्टैंडर्ड कितनी मात्रा होनी चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाती है बाय यूजिंग दिस फाइटोकेमिकल एनालिसिस। और इसकी एक इम्पोर्टेंस ये है कि भैया जो कंपाउंड ही अगर स्टैंडर्ड रेशियो से कम सर के अंदर है, जो लो क्वालिटी जिसको हम हब्स कहते हैं, जैसे एक हब्स को भी के भी प्राप्त करने के अलग अलग प्लेस हैं जंगलों के अंदर जो हब्स पाई जाती है अपने प्राकृतिक वातावरण में। एक हब्स वो है जो कि हम उसको कल्टीवेट करते हैं, तो जो कल्टीवेट होती है और जो नेचुरल एटमोसफेयर, तो दोनों के अंदर बहुत कभी कभार बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अंतर क्या होता है, उनके जो एक्टिव पार्ट्स हैं, जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी मात्रा का अंतर होता है, और उस मात्रा का अंतर ही उस हब्स की जो पोटेंसी है, जो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है, जो उसकी एक्टिविटी है, उसको मैनेज करता है। और ये जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं विद टाइम डिग्रेड, ये अपने आप टूटना चालू हो जाता। तो अगर कभी कभार जैसे कहा जाता है कि आपने पुरानी ड्रग यूज़ करी, 10 साल आपने मौकी से एक कहा कि ठीक है मुझे यह चाहिए अपने, तो वो ड्रग लेने या हर्ब्स लेने के बाद अगर किसी ने आपको बहुत पुरानी वो दे दी, किसी के पास पहले पड़ी हुई होगी उसके स्टॉक में, उसने आपको दे दी, या जिसने मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसने खरीद ली और उसने उसे सस्ता दामों को दे दी, तो उसके अंदर ये जो एक्टिव फाइटोकेमिकल्स हैं, जो फाइटोकेमिकल्स हैं, इनकी परसेंटेज बहुत कम हो जाती है, क्योंकि अपने आप एक निश्चित समय के बाद ये डिग्रेड होना चालू हो जाता है।
तो उनका क्वांटिफिकेशन जो है वो भी बहुत आवश्यक चीज़ है। इन हर्ब्स के अंदर इनके एक निश्चित मात्रा होती है, और अगर वो निश्चित मात्रा रहती है, इसके भी एक डाटा बनाए जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मोनोग्राफ कितना होना चाहिए, मीन्स जिसको हम हाई क्वालिटी प्लेस कहते हैं, हाई क्वालिटी प्लेस जहाँ पर नेचुरल हैबिटेट में ड्रग्स उगती हैं, अपने आप ही प्रकृति जिन्हें उगाती है, तो उनको उनका फाइटोकेमिकल कंपैरिजन शुड बी डन विद दोज हर्ब्स दैट वी आर गोइंग टू कल्टीवेट और इन आवर सराउंडिंग एरिया, या फिर अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो ड्रग आई जाती है, हर्ब्स मिलती है, उन सब के बायोएक्टिव कंपाउंड्स का क्वांटिफिकेशन जरूर चेक होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी के आधार पे वो हर्ब्स अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रदर्शित करती है। अगर हम कोई ड्रग हिमाचल से ले रहे हैं और उसके अंदर कोई एक एक्टिव पार्ट, जिसको हमने कहा बायोएक्टिव जो पार्ट है, इसकी परसेंटेज 5% है, और एक हम हिमालय के जंगलों से ले रहे हैं हर्ब्स ली और उसका क्वांटिफिकेशन चेक किया, तो उसके अंदर वो रेशियो 10%, वो जस्ट डबल हो गया। ऑब्वियसली वो जो 10 वाला है वो बेटर एक्टिविटी शो करेगा इन कंपैरिजन टू दोस ऑफ दैट हैव द जस्ट हाफ ऑफ द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन देयर हर्ब्स, उसको अलग शो करेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसको कंसिडरेशन में लाना चाहिए, और लगता है कि आयुर्वेद और अन्य जितनी भी अपनी प्रणालियाँ हैं उसके अंदर जो हर्ब्स बताई गई हैं उन सब का एक क्वालिफिकेशन जो है वो अवश्य रखना चाहिए कि अलग अलग स्टेट के अंदर जो हर्ब पाई जाती है उसके अंदर बायो एक्टिव जो कंस्टिट्यूएंट है कितनी परसेंटेज में रहते हैं, ताकि उसी के आधार पर डोज को डिफाइन किया जा सके। माइक्रोबियल एनालिसिस, इसके अंदर हम लोग ये चेक करते हैं कि वेबल एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिम्स कितने हैं, टोटल एंटेरोबैक्टीरियस प्रेजेंट है या नहीं है, फंगल प्रेजेंट है या नहीं है, स्पेसिफिक पैथोजन उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं, उसके बारे में माइक्रोबायोलॉजिस्ट अलग अलग टेस्ट करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इनका भी एक स्पेसिफिक रेशियो मेंशन किया हुआ है कि एक तो ये पैथोजन नहीं होने चाहिए, अगर होने भी चाहिए तो इसकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, ऐसा ना हो के बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करेंगे, वो फिर निदान की जगह खुद एक बीमारी, एक खुद एक डिसीज देनी चालू। उसके बाद रेसिडुअल एनालिसिस, ये इस चीज़ को चेक करने के लिए किया जाता है। आपने कहा कि इसके अंदर 10 हर्ब्स हैं, तो इन 10 हर्ब्स के अंदर ये फाइटोकेमिकल लेते हैं, उसके अलावा और क्या क्या पता चला आपने मैन्युफैक्चरिंग करते हुए, आपसे कुछ केयर नहीं हो पाई और कुछ मिक्स हो गया, जहाँ से आप प्रोसेस के थ्रू ले रहे थे, तो प्रोसेस आपने प्रोसेस किया तो पता चला जिस जगह पे आप प्रोसेस उसको कर रहे थे वहाँ पर मेटल कंटामिनेशन था, तो क्या मेटल कंटामिनेशन तो नहीं हो गया, क्या उसके अंदर रेडियो एक्टिव रेजिड्यू तो नहीं है, क्या जिस सॉल्वेंट्स को आपने प्रयुक्त किया कि वो सॉल्वेंट एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा तो नहीं है। अब जिस धरती पर जिस जगह पर उसको उपजाया गया उसके अंदर किस तरह के केमिकल्स का एज फर्टिलाइज़र का एज ए पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, कि उसकी एक मात्रा तो उसके अंदर उपलब्ध नहीं। उसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं जिसको सॉयल बैक्टीरिया कहते हैं और जिसको माइकोटॉक्सिन भी बोला जाता है, एफ्लोटॉक्सिन, तो क्या ये इसके अंदर उपस्थित तो नहीं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो इस रेजिडुअल एनालिसिस के थ्रू उसकी जानकारी प्राप्त करी जाती है।
बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर डोज रिस्पॉन्स कर्व मीन्स कितनी डोज दी जाए जो एक स्टैंडर्ड डोज हो उसका रिस्पॉन्स कर्व बनाया जाता है. मीन्स इतनी डोज दी तो उसने इतनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी प्रदर्शित करी, तो वो एक स्पेसिफिक कर्व बनाई जाती है जो हमें बताती है कि इतनी डोज देने पर वो इतनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगी. और डोज कितने ड्यूरेशन कितने टाइम पीरियड में दी जानी चाहिए एंड लिमिट ऑफ द डिजायर्ड बायोएक्टिविटी, कि उसकी एक लिमिट भी होनी चाहिए बायोएक्टिविटी. तो ये जो तीन पैरामीटर्स हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के, ये तीन पैरामीटर्स हैं, ये सब चेक किए जाते हैं. उसके बाद एक नेक्स्ट वन वाज इज द टॉक्सिसिटी और द सेफ्टी प्रोफाइल. ये ठीक है वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करे सब चीज़ें, लेकिन क्या वो एनी टॉक्सिसिटी जो ह्यूमन हेल्थ सेल है उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं शो कर रहे? तो ठीक है, आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताया कि अगर जिस आयुर्वेदिक औषधियों को ये कहा गया कि ओके अगर हम इन औषधियों को इस प्रकार से लेंगे तो वो आपको शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव नहीं छोड़ेंगे, और ज़्यादातर औषधियों ने अपना कोई एक्यूट टॉक्सिसिटी नहीं शो करी. लेकिन अगर हम अलग अलग कंपोजिशन की बात करें जो आजकल बन रहे हैं, तो उसके अंदर क्या अलग अलग हर्ब्स मिक्स करने के बाद वो जो एक्टिविटी शो करती है, तो एक्टिविटी शो करने के अलावा क्या वो ह्यूमन सेल के ऊपर टॉक्सिसिटी तो नहीं शो कर रही, जहरीलापन तो नहीं शो कर रही, टॉक्सिक बिहेवियर तो नहीं शो कर रही? तो इसके लिए भी एलडी लिथल डोज 50 वैल्यू के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है. और तो दो कैटेगरी में इसको बांटा गया, एक्यूट और सब एक्यूट, मतलब बहुत ज़्यादा और उत्तम, ताकि उसके लिए इसके ऊपर डोज का भी मतलब उसको कैसे दूर किया जाए उस टॉक्सिसिटी को, या फिर बिल्कुल उसको यूज में ना लाया जाए. तो फिर उसके बाद इस तरह की जो फर्दर एक्शन है वो इस टॉक्सिसिटी प्रोफाइल के बेस के ऊपर तय किया जाता है. उसके बाद स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ, जैसे रस कैसा रस है, किस तरह का टेस्ट है, वीरिया प्रीडोमिनेंट एक्शन क्या है, विपाक मेटाबॉलिक एक्शन क्या है, गुना कर्मा ऑथेंटिक रेफरेंसेस, टेक्सचुअल रेफरेंस कहाँ से ले गया, इंपॉर्टेंट फार्मुलेशन डोज जो एज पर द आवर सही काज इसका थेरेप्यूटिक है, ये अलग से डॉक्यूमेंटेशन जो हम और उसमें ऐड कर सकते हैं कि भाई चरक संहिता के या सुश्रुत उसके अनुसार इस पेज पर इस निवारण उसके अंदर हमें ये डोज बताई गई है, तो उसका ऑथेंटिक पॉइंट इसे हमने इस क्लासिकल मेथड के थ्रू ही इस डोज को इस तरह से बनाया है, इस रूप में हमने फॉर्मुलेशन किया, ये हमने डोज डिफाइन करी और ये इसका उपयोग इस रूप में बताया गया. तो हम स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं. प्रोसेसिंग स्पेसिफिकेशन, क्या आप कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज कर रहे हो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, ये भी मैच मान लीजिए एक ने कोई स्पेसिफिक मैन्युफैक्चर प्रोसेस यूज करके वो ड्रग बनाई और उसकी ये क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर के ऊपर टेस्टिंग आई, तो आप देखेंगे कि अगर वो किसी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रूप में उस ड्रग को सेम ड्रग को बनाया जाता है, तो उनके जो दूसरे फिजियोकेमिकल अदर पैरामीटर वो चेंज हो जाएंगे, तो उन पैरामीटर्स के डेविएशन को बचाने के लिए भी आपको उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिटेल से बताना पड़ेगा, ताकि सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी आगे बढ़ेगा. भावना मर्दन पुट आदि बारे जाएंगे. और एक लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है शेल लाइफ, स्टोरेज कैसे किया, क्रूड ड्रग का भी और प्रोडक्ट का उनकी शेल लाइफ की, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी. और ये जो सारा डाटा है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने आप सेम करती है. उसके बाद जब वो क्वालिटी कंट्रोल, उनके हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की एक अपनी क्वालिटी कंट्रोल ड्रग टेस्टिंग लैब होती है, ठीक इस प्रकार से जैसे
एक आयुर्वेदिक कॉलेज के अंदर भी एक ड्रग टेस्टिंग लैब होती है, जो जो भी ड्रग बनाई जाती है उनको अलग अलग एज पर द फार्माकोपियल रिक्वायरमेंट उसकी अलग टेस्टिंग की जाती है।